सो यूजीसी नेट के पेपर में हो चुके हैं बहुत सारे बदलाव, और अब ऐसा लगता है कि ये बदलाव अब शायद थोड़े मैच्योरिटी लेवल पे आ रहे हैं, अब शायद जा करके चीज़ें और सही और सिस्टमेटिक होती जा रही हैं। तो अगर इन बदलावों में नज़र डालें तो 2012 से पहले यूजीसी जो था वो कराता था डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस यूजीसी नेट के पेपर में आते थे। 2012 के बाद ये ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद 2014 में सीबीएसई ने ये एग्ज़ाम कराना स्टार्ट कर दिया और सीबीएसई ने सिलेबस वहाँ पर चेंज कर दिया। 2014 के बाद 2018 में एनटीए ने ये पेपर कराना स्टार्ट कर दिया है और फिर सिलेबस और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। इसी बीच यहाँ देखने में आ रहा है कि अब ये पेपर जो है वो अब थोड़ा इजी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए। तो यहाँ एक बहुत पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है। अगर आप एनटीए नेट की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ntnet.nic.in उस पर जाएंगे तो आपको ये जानने को मिलेगा कि अब पैटर्न चेंज हो गया है। पूरे 3 घंटे का ये पेपर होना है जिसमें पेपर वन के आएंगे 50 क्वेश्चंस और पेपर टू के 100 क्वेश्चंस। और ये जो 3 घंटे हैं इसमें कोई टाइम नहीं बटा हुआ कि पेपर वन आपको एक निश्चित समय में करने के बाद पेपर टू पे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो क्लियरली वहां पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है यूजीसी नेट 2019 के पैटर्न में कि अब 3 घंटे पूरे मिलेंगे और उसके अंदर आपको पेपर वन भी करना है और पेपर टू भी करना है, बीच में कोई भी बाउंड्री नहीं है। तो जितना टाइम आप पेपर वन को देना चाहें, जितना टाइम आप पेपर टू को देना चाहें, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है। क्योंकि 80-90% बच्चे, काफ़ी बच्चे मुझे पेपर करने के बाद आके कह रहे थे कि सर वहाँ पे टाइम प्रेशर हो गया, कर नहीं पाया, छूट गया या गलत करके आ गए, लेकिन घर पे आकर के वही सवाल करे तो मुझे आते थे। अब ऐसा हो जाने के बाद, 3 घंटे का टाइम हो जाने के बाद, मुझे लगता है कि काफ़ी बहुत बड़ी राहत है उन बच्चों को जिनकी स्पीड थोड़ी स्लो थी, जो कि अब ज़्यादा टाइम पेपर वन को दे पाएंगे और पेपर टू जो कि काफ़ी कम समय में हो जाता है, 1 घंटा 15 मिनट में आपका पेपर टू हो जाएगा और बाकी बचे 1.5 घंटे या 2 घंटे आप पेपर वन को दे पाएंगे, उसमें डीआई और रीजनिंग को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि डिले मत करें, थोड़ा सा समय है यूजीसी नेट के पेपर में, लेकिन प्लीज़ समय मत गवाएं और पढ़ना स्टार्ट कर दें। काफ़ी बच्चों की ये भी शिकायत आई है क्योंकि अब एक दिन यूजीसी नेट का पेपर ना हो के अलग अलग स्लॉट्स में अलग अलग दिन हो रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा पेपर कठिन आ जाए और किसी दूसरे पर्सन का पेपर जो कि अगले दिन पेपर दे रहा है उसका पेपर सरल आ जाए? तो क्या ये अनजस्ट नहीं होगा? क्या ये गलत नहीं होगा? इसके लिए भी एनटीएनआईट की ऑफिशियल वेबसाइट पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर का एक एनेक्चर दिया हुआ है जिसको आप लोगों को देख लेना चाहिए, जिसमें ये लिखा हुआ है निश्चित तौर पर कि भाई सही बात है, अगर आज कोई पेपर होता है तो किसी और दिन हुए पेपर से वो कम डिफ़िकल्ट या ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसके लिए उन्होंने परसेंटाइल, यही रीज़न है कि रिजल्ट में डाला है, परसेंटाइल आपको ये दिखाता है कि जो पेपर टू का आपने अपना पेपर दिया है, क्योंकि पेपर टू के जितने ऑल ओवर बच्चे हैं उन सबका पेपर वन सेम होता है, अगले दिन कोई दूसरा पेपर टू का सब्जेक्ट होगा उनका पेपर वन अपने में सेम होगा। तो भले मेरा पेपर डिफ़िकल्ट है या अगले बंदे का पेपर सरल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जितने पेपर टू वाले एक साथ जो पेपर दे रहे हैं उस समय उन सबका पेपर वही आया है। डिफ़िकल्ट आया है तो उन सबके लिए आया है, ईजी आया है तो उन सबके लिए आया है। तो अगर आज का पेपर डिफ़िकल्ट है तो जितने भी मेरे साथ पेपर टू देने वाले हैं वो सब वही पेपर दे रहे हैं, और अगर वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है तो दूसरे के लिए भी है। और यही रीज़न है कि परसेंटाइल दिया गया है। परसेंटाइल हमको ये बताता है कि भाई चलिए हो सकता है मेरे मार्क्स कम आए क्योंकि पेपर डिफ़िकल्ट था, लेकिन ऑल ओवर बच्चों में मेरी क्या रैंक थी, यानी दूसरे जो बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया उनसे मैं कितना ऊपर गया या उनमें मैं कितना नीचे आया, ये आपको परसेंटाइल बता देता है। यहाँ काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं जिनके कंप्यूटर पर बहुत हाथ सेट नहीं है, ओएमआर शीट उनको भरना सरल लगता था लेकिन अब कंप्यूटर पर क्या कैसे होगा उनको बहुत प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप examkhoj.in पर जा सकते हैं जिसपे फ्री में आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पेपर वन के पिछले जितने भी पेपर्स हुए हैं वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाएंगे और उस पर आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको पेपर देना है। तो examkhoj.in ये वेबसाइट है। इसके अलावा एक एंड्रॉयड ऐप है जिसका नाम है kumarbharat.com, इस पर भी आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल लगी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको बताना है हमें, तो कमेंट नीचे कर दें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल का बटन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।